जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपना ख्याल भी रखते होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आरएमसी के पेपर के बारे में। आरएमसी को ये हम सबको मालूम है कि आरएमसी ने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है, 3 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होना है। आज का जो वीडियो लेकर आई हूँ आरएमसी के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है, कैसे मंगाना है और कैसे आपको पोस्ट करना है। फॉर्म से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। चलिए बात कर लेते हैं फॉर्म के बारे में। ये देखिए, ये आरएमसी का फॉर्म है। इस तरह का आपका पैकेजिंग में फॉर्म आता है। इसमें क्या क्या मिलता है उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। एक बुकलेट आपको इस तरह की मिलती है और एक इस तरह की बुकलेट आपको मिलेगी। अब ये जो बुक है, इसमें 7 ईयर्स के आपके लास्ट क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, लास्ट 7 ईयर्स के कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आया था और क्या क्या पूछा गया था, सारी इन्फॉर्मेशन इस बुक में आपको दी जाती है। ये आरएमसी की तरफ से ही मिलती है, बाहर कहीं मिलती नहीं है ये वाली बुक। ये फॉर्म के साथ ही अवेलेबल होगी। इसके साथ आपको एक इस तरह की बुकलेट मिलेगी जिसमें आरएमसी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन इस बुकलेट में आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं फॉर्म्स की। जब आपको फॉर्म्स मिलते हैं तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है। एक छोटा एनवेलप मिलेगा, ये किस लिए यूज़ होगा इसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। एक बड़ा इस तरह का एनवेलप मिलेगा और 2 फॉर्म्स मिलते हैं आपको इस तरह के। ओरिजिनल फॉर्म्स हैं जिनमें होलोग्राम लगा होता है, बिना होलोग्राम के फॉर्म वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इस तरह की एक छोटी बुकलेट आपको और दी जाएगी, कौन से स्टेट का कहाँ पर फॉर्म भर करके जाना है वो इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो ये इस तरह की बुकलेट है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन गाइडलाइंस दी गई हैं एडमिशन से रिलेटेड। अब चलिए बात कर लेते हैं कि फॉर्म में क्या क्या पूछा जा रहा होता है। जैसे कि अब आप देख पा रहे हो ये फॉर्म है, यहाँ पर फॉर्म में आपको बताया गया कि कैसे फिल करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बच्चे का एक फ़ोटोग्राफ लगाना है। 2 फॉर्म्स हैं, दोनों सेम टू सेम है, एज इट इज़ ही फिल होंगे दोनों। दोनों को सेम टू सेम फिल करना है आपने। यहाँ पर बच्चे का फ़ोटोग्राफ लगेगा, लेटेस्ट अपडेटेड फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए है। और यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर्स होंगे, बिल्कुल सीधे सिग्नेचर्स करने हैं आपने। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये कैपिटल लेटर्स में फिल होगा, वो भी कैंडिडेट के ही द्वारा फिल होगा। सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, बर्थ प्लेस जन्म कहाँ हुआ है उस जगह का नाम लिखना है, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, रिलीजन लिखना है आपने, हिंदू मुस्लिम या सिख या किसी भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, नेशनैलिटी इंडियन लिखना है, आपका हाइट और वेट जो अभी प्रॉपर रिसेंट आपका हाइट होगा वो लिखिएगा और वेट अच्छे से नाप करके उसको लिखना है, आई विजन लिखना है, राइट आई आपका कितना है, लेफ्ट आई कितना। अभी मान लीजिए अगर आपकी राइट आई राइट साइड की आई साइड जो है कम है या ज़्यादा है, जितना भी है उसको मेंशन करना है। नॉर्मली जो होती है 6x6 होती है। जेंडर लिखना है क्योंकि अभी आरएमसी में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एलिजिबल हो गए एग्ज़ाम देने के लिए, तो जेंडर को याद से मेंशन करना है। तो स्टेट डोमिसाइल, यहाँ पर आपको डोमिसाइल को मेंशन करना है कि कौन से स्टेट का है। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, देखिए क्या होता है कि हमारी बॉडी में कभी कभार चोट का निशान होता है या तिल होते हैं, वो 2 मेंशन करना है आपकी बॉडी में, 2 कहाँ कहाँ पर निशान है। फिर एग्ज़ाम सेंटर को फिल करना है कि आप कहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हो। जैसे हमारे उत्तराखंड के बच्चे ज़्यादातर देहरादून लिखते हैं, तो देहरादून हमारे यहाँ का एग्ज़ाम सेंटर उनको मिलता है। फिर कैंडिडेट का आधार नंबर और इसके अलावा पापा या मम्मी का आधार नंबर भी अब कंपलसरी हो गया है, ये दोनों भी मेंशन करने हैं अब आपको। अच्छा, एग्ज़ाम कौन से टाइम का दे रहे हो आप लोग, तो यहाँ पर आपको टिकअप करना है क्योंकि हम दिसंबर वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 1st-2nd दिसंबर, क्योंकि यहाँ पर 1st-2nd ये ऑलरेडी मेंशन है, बट एग्ज़ाम जो होगा इस बार का 3 दिसंबर को होगा, तो यहाँ पर आपको टिकअप कर देना है दिसंबर 2022, ठीक है। और ऑटम होगा आपका जुलाई 2023, यहाँ पर 2022 और यहाँ पर 2023, क्योंकि अगर आप पास हो जाते हो तो आपका जो ज्वाइनिंग होगा वो जुलाई 2023 में होगा। अगर आपके कोई भाई बहन है तो जितने भी भाई बहन हैं उनका पूरा नाम यहाँ पर मेंशन करना है और यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। सीरियल नंबर अगर एक ही है तो आपको एक ही भाई या बहन का नाम लिखना है, और अगर 2-3 हैं तो उनके बारे में यहाँ पर आपको फुल इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर पापा का नाम आएगा आपके, उनका ऑक्यूपेशन आएगा,
कि किस पोस्ट में है, सिविलियन है या आपका डिफेंस में है या किसी भी पोस्ट में है, कुछ भी करते हैं वो लिखेंगे आप। मदर का नाम लिखेंगे, फादर की, अच्छा यहाँ पर मैं भूल रही हूँ, एनुअल इनकम ज़रूर याद से लिखिएगा। फिर है मदर का नाम, फिर मदर का ऑक्यूपेशन क्या होगा, अगर मम्मी बाहर जॉब करती है तो जॉब को मेंशन करना है, और अगर मम्मी होम मेकर है तो होम मेकर लिखेंगे। एनुअल इनकम कितनी है मम्मी की, पापा की और मम्मी दोनों की एनुअल इनकम को मेंशन करना है। परमानेंट एड्रेस आपका क्या है और पिन कोड के साथ इसको मेंशन करिएगा। नेक्स्ट है आपका एड्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर आपका एक ही एड्रेस है तो उसको दोनों एक ही जगह पर लिखना, और अगर एड्रेस अलग अलग है, परमानेंट एड्रेस अलग है और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग है तो वो अलग लिखिएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस का मतलब होता है जहाँ पर आपका एडमिट कार्ड आना है वहाँ पर का एड्रेस लिखना है आपने, मोबाइल नंबर मेंशन करना है, ईमेल आईडी लिखनी है, पिन कोड याद से लिखिएगा यहाँ पर। फिर है नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल इन विच प्रेजेंटली स्टूडेंट इज स्टार्टिंग, तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो, उसका मीडियम क्या है इंस्ट्रक्शन का, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम में आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए हैं। यहाँ पर इससे पहले आपने आरएमसी का कितनी बार एग्ज़ाम दिया है वो लिखना है, अगर आपने इससे पहले एग्ज़ाम दिया है तो आपको उससे रिलेटेड मेंशन करना होगा आपका रोल नंबर क्या था और डेट क्या थी और ईयर कौन सा था, और अगर नहीं है तो एनए कर दीजिएगा। यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर्स होंगे, अगर आपके कोई पापा या मम्मी या कोई रिलेटिव आपके डिफेंस सर्विसेज में है, मिलिट्री सर्विसेज में है, तो उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, और नहीं है तो एनए करिएगा। फिर यहाँ पर है बच्चे ने स्कूल में किस किस स्पोर्ट्स में, कैंडिडेट ने किसी भी फील्ड में कोई अचीवमेंट किया है, कोई सर्टिफिकेट है, कोई अच्छा गेम खेलने के बाद उनको मेडल्स मिले हैं, तो वो सब मेंशन करना है यहाँ पर, और नहीं है तो भी आप एनए करिएगा। यहाँ पर आपको डेट फिल करनी है, यहाँ पर प्लेस होगा। अब ध्यान दीजिएगा सिग्नेचर को लेकर अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, यहाँ ऊपर पर क्लियर हैंडराइटिंग में पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए या फिर गार्जियन के, मम्मी पापा में से कोई भी कर सकता है। यहाँ पर अब इस जगह पर यहाँ देखिएगा सिग्नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और प्रिंसिपल ऑफ कैंडिडेट्स स्कूल, स्कूल की प्रिंसिपल को बोलना है आपने कि यहाँ पर आपका स्टैम्पिंग और सिग्नेचर दोनों होनी है, ठीक है, पर्टिकुलर जगह। अभी तीन जगह सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर कैंडिडेट के, यहाँ पर पेरेंट्स के और यहाँ पर स्कूल प्रिंसिपल के। अब बात कर लेते हैं चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं जो इसके साथ अटैच करने हैं। सबसे पहले तो आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए होते हैं, जैसे अभी मैंने जगह बताई थी यहाँ पर कैंडिडेट के फ़ोटोग्राफ, यानी कि दो हैं फॉर्म तो दो फोटोग्राफ तो यहीं पर लगे हुए चाहिए हैं। इसके अलावा दो फोटोग्राफ और चाहिए जिनके पीछे पर कैंडिडेट ने साइन करा हो, और फिर एडिशनल फोटोग्राफ्स जैसे अभी मैंने बताया दो और चाहिए जिसके पीछे साइन हो। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट हो गया आपका, गजटेड वन क्लास जिस जो इसकी फोटोकॉपी होगी उसको क्लास वन गजटेड ऑफिसर से साइन करवाना है आपने। ओरिजिनल जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट के बाद बोनोफाइड हो गया, स्कूल से आपको स्टार्टिंग सर्टिफिकेट लेना है जिसे बोनोफाइड बोलते हैं, ये उनके लेटर हेड में ही बना हुआ होना चाहिए, सेल्फ एड्रेस एनवेलप, अच्छा इसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है, डोमिसाइल लगाना है, ये तो हो गए। इसके अलावा आधार कार्ड की कॉपी भी अब आपको रखनी है जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है, डोमिसाइल का बता दिया। अब बात कर लेते हैं इन दो एनवेलप्स का काम क्या है। जब आप इन फॉर्म्स को बहुत अच्छे से फिलअप कर लोगे फिर उसके बाद इस एनवेलप में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स डालकर भेजने हैं। अब ये एनवेलप छोटा वाला क्यों है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखकर भेजना है जिसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो यहाँ पर एड्रेस लिख करके देंगे। यहाँ पर आपको 42 रुपीज़ के स्टैंप लगा करके भेजनी है। अब जब आपका यहाँ पर ये फॉर्म फिल हो जाएंगे, आपका ये एडमिट कार्ड का जो एनवेलप है ये कम्प्लीट हो जाएगा, स्टैंपिंग हो जाएगी 42 रुपीज़ की। एनवेलप में ये दोनों फॉर्म्स आएंगे आपके, ये वाला एनवेलप आएगा जिसमें आपके घर का एड्रेस होगा और आपकी फ़ोटोग्राफ्स आएंगी दो, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे इसमें डाल करके आपको इसको भेजना है। अब यहाँ पर आपको देखिए दो पार्ट दिए गए हैं, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है कि जहाँ से आपने भेजा है, और यहाँ पर आपको एड्रेस भेजना है कि कहाँ पर जाएगा। अभी एड्रेस कैसे पता करेंगे, ये वाली बुकलेट जो मैंने आपको बोली थी इसको खोलिएगा। यहाँ पर देखिए जैसे हमारा उत्तराखंड का है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं थोड़ा क्लोज कर लेती हूँ इसको, उत्तराखंड के लिए यहाँ पर है, देखिए हमारा 38 नंबर आता है सीरियल नंबर स्टेट के अकॉर्डिंग, तो 38 नंबर में हमारा उत्तराखंड आएगा। तो जो बच्चे उत्तराखंड के रहने वाले हैं उनको एग्ज़ाम सेंटर देहरादून ही मिलेगा, ठीक है। अगर वेस्ट बंगाल के हैं तो कोलकाता, यूपी के हैं तो लखनऊ, त्रिपुरा के अगरतला, तो यहाँ पर से आप देख लीजिएगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है, जैसे देहरादून में हमें कहाँ स्पीड पोस्ट करना है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर मयूर विहार से धारा रोड,
देहरादून उत्तराखंड 248001 पिन कोड के साथ। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी को भी मेंशन किया हुआ है। तो हर एक चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है क्लियर तरीके से आपको, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर ये देहरादून का एड्रेस डाल करके इसको स्पीड पोस्ट करना है, आपने नॉर्मल पोस्टिंग नहीं करनी है, स्पीड पोस्ट करना है आपको इसको। तो ये था हमारा फॉर्म को कैसे फिल किया जाए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। फिर भी इन केस अगर आपको कोई चीज़ में डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, गिवन नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हो। हम लोग कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से हेल्प आउट करने की। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी तो आप लोगों के लिए कि आरएमसी में सिलेबस क्या क्या आने वाला है, ताकि एक बार आप रिवीजन लगा सकें। तो ये था हमारे आज के वीडियो की डिटेल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ। टिल देन बाय एंड जय हिंद।